आज स्टार्ट करेंगे हम शेयर फॉर फ्यूचर। और शेयर फॉर फ्यूचर में सिंपल सा टॉपिक है और ज़्यादातर बच्चों का वैसे प्रॉब्लम रहता है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पे शेयर फॉर फ्यूचर को, एक बड़े तरीके से सोचते हैं कि फॉर फ्यूचर हो गया तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं, अगर आपको एडवांस वाला आता है ना तो आपका चैप्टर 90% कवर होता है, फॉर फ्यूचर उसमें इतना रोल प्ले करता नहीं है। फिर भी एनीवेज हम अच्छे से समझते हैं, हेडिंग डालते हैं हम शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर, आप मुझे सबसे पहले ना कुछ बातें बताना, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एंट्री बता दिया, एंट्री आपको आ भी जाएगा, मैं कॉन्सेप्ट वाइज। अगर कोई भी शेयर फॉर फ्यूचर होता है तो इसका मतलब पहले मीनिंग पता होना चाहिए शेयर फॉर फ्यूचर का ना। शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब है कि आपको मैंने जो भी शेयर अलॉट किया और आप ना बार बार बाकी के कॉल जो है वो देने में फेल हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का शेयर है सपोज़ करिए, और आपने एप्लीकेशन तो 2 रुपये, 5 रुपये और 3 रुपये एप्लीकेशन तो पेड कर दिया। जब मैं अलॉटमेंट आपसे मांगने गया आपने बोला हम नहीं दे पाएंगे, आपने फर्स्ट कॉल मांगने गए तो आपने बोला फर्स्ट कॉल के भी नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली आप बार बार ना पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट हो रहे। तो मैं आपके पैसे को क्या करूँगा, फोर फीचर करूँगा। फोर फीचर मैं उसी को कर सकता हूँ जो आपने मुझे दिए हैं। तो फाइनली देखा जाए यहाँ पर भी आप फेल हो, यहाँ पर भी आप फेल हो, तो आपने मुझे दिए क्या हैं, सिर्फ 2 रुपये एप्लीकेशन के तो दिए हैं, तो मैं फोर फीचर क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये। और जो आपको शेयर्स मैंने दिए थे, शेयर सर्टिफिकेट जो मैंने आपको दिए थे, वो क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल का मतलब, जब मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट देता हूँ, जब शेयर कैपिटल देता हूँ, तो आपको याद होगा मैं क्या करता था, 2 शेयर कैपिटल, चाहे आपका एप्लीकेशन के टाइम पे हो चाहे अलॉटमेंट के टाइम पे हो, हर बार क्या करते थे, शेयर कैपिटल को याद करो, क्रेडिट करते थे। लेकिन अब होगा क्या, डेबिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसे क्या करेंगे हम, कैंसिल कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो शेयर, एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन लूँगा जिसमें मैं पूरे एंट्री करूँगा, उसके बाद मैं इसको कैंसिल करके भी दिखाऊंगा। अब एक बात और भी आता है कि सर शेयर फॉर फ्यूचर क्या 2 बार फेल होगा तभी करेंगे? नहीं, एग्जामिनर के ऊपर मर्जी है और कंपनी के ऊपर मर्जी है। आप एक अलॉटमेंट नहीं दिए ना तो वो आपका शेयर फॉर फ्यूचर कर लेगी, आगे वेट ही नहीं करेगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है आप अलॉटमेंट नहीं दे रहे हो तो कंपनी को उम्मीद रहता है कि चलो भाई आज नहीं तो फिर कल दे देगा, कल दे देगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम आगे तक वेट करते हैं, इसके बाद ऐसा होता है कि इसके बाद नहीं देता, तो हम लास्ट में हम देखते हैं यार अब तो दे ही नहीं रहा, तो इसका क्या कर लेते हैं, हम शेयर को फोर फीचर कर लेते हैं। बेसिक सा फंडा ये है। तो एक मैं बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ, बेसिक सा एंट्री है और कॉल सिनेरियर। अब एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूँ, बताओ क्या कॉल से, अगर मैं बोलूँ तो हमेशा शेयर फोर फीचर तभी होगा जब कॉल सिनेरियर होगा, सही बात है ये। अगर कॉल सिनेरियर नहीं है तो फोर फीचर हो ही नहीं सकता। जैसे मैं मान लो एक 10 रुपये का शेयर मान लेता हूँ, और ये ना मैं जो बनाता हूँ ना यहाँ पे, इसे चार्ट बोल लो आप, डायग्राम बोल लो आप, ग्राफिकल फॉर्म बोल लो, इससे थोड़ा सा बेटर रहता है। आप भी करोगे ना ऐसे तो समझ में आपको आएगा और आपको पता चलेगा क्या क्या कैटेगरी में हो रहा है। मान लेते हैं मैंने इशू जो किए थे शेयर, और इशू किए थे मैंने सपोज करते हैं 5,000 शेयर, और एक व्यक्ति अलॉटमेंट पर फेल हुआ, अलॉटमेंट तो है ही है, मैं तो फेल लिखना था ना यहाँ, राम है, राम फेल हो गया, और कितने शेयर थे सपोज 500 शेयर थे। यहाँ पे अप्लाई अलॉटेड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई अलॉटेड का कॉन्सेप्ट ही नहीं डाल रहा मैं, सिंपल बेसिक फोर फीचर सीख रहे हैं ना। यहाँ पे राम फेल हो गया, ठीक है जी, हमने इंतज़ार किया, क्या इंतज़ार किया कि पैसे दे देगा, हमने इंतज़ार किया क्या, पैसे तो दे देगा। तो वेट करने का मतलब मैंने इसका यहाँ भी वेट किया कि पैसे ये दे देगा, अभी नहीं दे रहा, कुछ टाइम बाद दे देगा। फाइनली इसने यहाँ पे भी नहीं दिया, तो मैंने इसके बाद इसका क्या कर लिया, शेयर फॉर फ्यूचर। तो मैं एक एक बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से लेंगे हम, और उसको हम एक एक करके एग्जाम्पल बना बना के करता जाऊँगा, जिससे कि क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ फॉर फ्यूचर की एंट्री नहीं करूँगा, मैं सारी एंट्री करना चाहता हूँ। पहली एंट्री क्या किया हमने, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर एप्लीकेशन, और बीइंग वगैरह मैं नहीं लिख रहा क्योंकि आपको पता ही है कैसे करना है, 5,000 × 2 = 10,000। और मैं हर बार बोलता हूँ कि जो मैं 5,000 × 2 करता हूँ ना, मेरे पास स्पेस नहीं होता, रजिस्टर में तो आपके बहुत सारा है, और आप इसको करके चले तो बेटर है, इंटू टू, ठीक है ना। आगे देखा जाए तो शेयर एप्लीकेशन 2
इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये भी 10,000 आ जाएगा। और आपको जो इक्विटी शेयर कैपिटल मैं क्रेडिट करता हूँ ना, इसका मतलब होता है मैंने आपको शेयर्स दे दिए हैं, इसी क्रेडिट की वजह से पता चलता है कि आपको शेयर मिल चुका है। अब अगली एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो मांगेंगे सबसे, आपको पता है कि ये फेल होगा, लेकिन मांगते हम सबसे हैं 5,000 मल्टीप्लाई बाई क्या करें हम 3, यानी क्या आएगा यहाँ 15,000। बट आपको पता है 500 के पैसे नहीं आएंगे, तो आप एंट्री कैसे करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ 15,000 है, और 15,000 में से माइनस करोगे, और 15,000 में से माइनस कितना करेंगे, ये 1,500 रुपये, तो 1,500 माइनस कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना ये 1,500 कैसे माइनस किया, पहले ये देखिए 1,500 कैसे माइनस किया समझ में आया, क्योंकि एरियर है भाई, पहली क्लासेस में कर चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 13,500, यहाँ पे लिख देते हैं कॉल्स इन एरियर। और कई बार ना बच्चे क्या करते हैं, पूछते हैं क्वेरी, अच्छी बात है, बोलते हैं सर अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर क्यों लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे ना अलॉटमेंट एरियर भी डाल सकते हो। मन में जिनके भैम रहता है थोड़ा सा, वो क्या करेंगे यहाँ पे क्या डाल देंगे, कॉल्स इन एरियर की जगह पे अलॉटमेंट एरियर, क्या आ जाएगा हमारा 1,500, और टू शेयर अलॉटमेंट 15,000। ठीक है, मैं इसकी और वाली भी एंट्री बताऊं करके, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो करूंगा ना यहाँ पे, आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड पे जो पढ़ा हुआ है वो अलग अलग टीचर से पढ़ा हुआ है, अलग अलग मेथड तरीके हैं, तो मैं इस तरीके से बताऊंगा जो आप वहाँ पे ये ना सोचो कि उन्होंने गलत पढ़ाया था, यहाँ सबने सही पढ़ाया था। मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा कि लॉजिकली क्यों होता है। इसके और वाली एंट्री को भी करते हैं, ठीक है, और वाली एंट्री को अगर देखा जाए, अगर मैं करता हूँ तो और वाली एंट्री के केस में यहाँ पे आएगा हमारा क्या आएगा बताओ, इसका अगर डायरेक्ट एंट्री करें इस वाले के लिए, तो आप सिंपल क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डायरेक्ट करते हैं ना, आपको याद होगा, और यहाँ पे 13,500। ठीक है, फोर फीचर कब हुआ है इसका, मैंने बोला कि भाई फाइनल कॉल के बाद मैंने बनाया है, तो फाइनल कॉल के बाद फोर फीचर हुआ, तो ये तो अलॉटमेंट है, इसके बाद फाइनल कॉल मांग ले, फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं, क्या एंट्री होगी यहीं पे कर लेते हैं, स्पेस है, शेयर फाइनल कॉल और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगेन अमाउंट क्या आ जाएगा 25,000। किसी को 25,000 में डाउट है तो बताइए, नहीं है डाउट, चलिए। अब बैंक में पेमेंट आएगा, हाँ या ना, आएगा बैंक में पेमेंट, तो अब आएगा 25,000 में से माइनस हो जाएंगे कितने 2,500, तो यानी 22,000। मैं थोड़ा स्पीड ले रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर चलेगा, कॉल्स इन एरियर चलेगा, जो कि आ जाएगा हमारा 2,500, और टू हमारा शेयर फाइनल कॉल, पूरे 25,000। इसके और वाली एंट्री बता सकता है कोई बच्चा, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, और डायरेक्ट कर सकते हैं हम 22,500। आपकी इच्छा है कोई भी एंट्री करें, अगर क्वेश्चन में बोलता है ना कि ओपन अ कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तब तो यही करना होगा, ये ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अगर बोलता है आपको विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तब आपको यही करना है, ये ऑप्शन ही नहीं है। और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो आपकी मर्जी, ठीक है ना। अब फोर फीचर की बात करते हैं। अब देखो अगर मैं कैपिटल को देखूँ ना ध्यान से, तो कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे कैपिटल मैंने कितने रुपए के हिसाब से दिया, ये कैपिटल है, कितने रुपए के हिसाब से दिया मैंने, 2 रुपए के हिसाब से, सबको मिला है कैपिटल, क्योंकि तभी तो ये आपका बना है 5,000 गुणा में 2। यहाँ पे कैपिटल देखो सबको मिला है 5,000 मल्टीप्लाई में 3। अब इसके बाद यहाँ पे भी देखो कैपिटल सबको मिला है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी हमने सबको कैपिटल दिया है, सर्टिफिकेट हर किसी को शेयर कैपिटल का दिया है। लेकिन एक जो फेल हो गया है उसका एक तो शेयर फोर फीचर करेंगे। शेयर फोर फीचर का मतलब जो सर्टिफिकेट उसको दिया वो छीन लो। तो जब मैं उसे दे रहा था तो हर बार मैं क्रेडिट 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 करता गया, जब उससे मैं वापसी लूंगा तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान देना, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले ये बात समझिए, समझ में आया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, बताइए। अब कितने हैं इसके 500। अब आप देखिए आपने जो इसको दिया है वही तो छीनोगे,
तो एक यहाँ पे 2 रुपए भी दिया है इसको, ये भी छीन लेंगे इससे, यहाँ पे 3 दिए हैं ये भी छीन लेंगे, और यहाँ पे 5 दिए हैं ये भी छीन लेंगे। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इसको 10 दिए मैंने, बताइए आपने 10 दिए मैंने इसको, तो 10 के 10 रुपए के सर्टिफिकेट लूंगा मैं, तो 10 के 10 लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5000। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब इसको क्रेडिट, अब जब शेयर फोर फीचर करते हैं ना, मैं SF लिख रहा हूं ध्यान देना, जब शेयर फोर फीचर करते हैं ना तो कंपनी को क्या होता है, इससे बेनिफिट हो जाता है, तो सारे प्रॉफिट कहां जाएंगे, क्रेडिट में, इसलिए शेयर फोर फीचर क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब जितना पेमेंट आपने दिया होगा मैं सिर्फ उसी का फोर फीचर कर सकता हूं भैया, और जो नहीं दिया उसका कैसे कर सकता हूं मैं, तो इसने क्या दिया है, सिर्फ यही दिया है, तो यही इसका फोर फीचर होगा, यानी 500 × 2, और ये क्रेडिट में आ गया, कितने आ जाएंगे बताओ, 1000 रुपए। ठीक है, अब 2 में कॉल सिनेरियर, 2 में शेयर अलॉटमेंट, यहां पे 2 बातें लिखी जा सकती है, अब ध्यान देना मैं यही चीज समझाने के लिए, अगर आपने एंट्री करा है ये, तो आप ध्यान से देखना, यहां पे कॉल सिनेरियर का एक अकाउंट आपका एसेट मान बैठे हो, इसलिए तो डेबिट किया है, और ये एसेट्स आपको लाइफ में कभी मिलने वाला नहीं है, तो यानी आप एसेट्स गलत मान के बैठे हो, तब तो मैं यहां पे करूंगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ये एंट्री नहीं करा है, ध्यान देना, और ये करा है, तो यहां पे तो आपने कॉल्स इन एरियर एसेट्स माना ही नहीं है, यहां पे क्या करा है, इस एंट्री, पहले इस वाली एंट्री को समझ में आया, मैंने कॉल्स इन एरियर लिखा, इसको मैं 2 तरीके से करता हूं, ठीक है, कॉल्स इन एरियर लिख देता हूं मैं, कॉल्स इन एरियर, फिर समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। कॉल सिनेरियर में जो जो उसने नहीं दिया ना उसकी डिटेल लिख देते हैं, जैसे 3 रुपए नहीं दिए, 5 रुपए नहीं दिए, तो टोटल कितने नहीं दिए, 8, तो 500 × 8 डायरेक्ट आप यहां पे लिख दो क्या, 4000, ये डन हो गया। बींग क्या लिखेंगे, बींग राम शेयर वर फॉरफिटेड, पहले ये देखो फाइनल सिंपल सा, जो पेमेंट उसने दे दिया वो शेयर फोर फीचर में, और जो नहीं दिया, हर बार देखो मैं एसेट्स मान के बैठ गया हूँ, एसेट्स मान लिया यहाँ पे मैंने बताया जी, लेकिन एसेट्स नहीं है तो क्रेडिट करके कैंसिल करो, इसको भी आप एसेट्स मान के बैठे हो जबकि ये एसेट्स नहीं है, तो कैसे खत्म करेंगे इसको, क्रेडिट करके, तो यहाँ देखो मैंने दोनों को क्रेडिट कर दिया, तो इससे क्या हो गया, जो अकाउंट मेरा ओपन था वो क्या हो गया, प्रॉपरली क्लोज हो गया, जो लॉजिक है, बताइए कोई डाउट यहाँ तक, किसी को यहाँ तक डाउट है, जितने बच्चे भी लाइव क्लासेस के अंदर हैं तो वो भी मुझे बता दें, जो भी डाउट है, चाहे एक्से डोली निधि कुलदीप शंकर वैष्णवी, यहाँ तक कोई डाउट है मुझे, जो मैंने ये एंट्री करा है, यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए फटाफट, नहीं है तो नो भी बताना है, आप चुपचाप बैठ जाते हो, जल्दी बताइए फटाफट, फिर मैं इसका दूसरा, इसको दूसरे एस्पेक्ट से मैं कवर करूँगा एक, ठीक है ना, जो मैंने ये करा है ना ये, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूँगा, ठीक है, चलिए नो डाउट, चलिए मैं अब देखो इसी, देखो आप ये करें, इसके और भी लिख देते हैं, ये लो और एक यहां करने जा रहा हूं मैं एंट्री, ठीक है ना, एक एंट्री इसका ये भी पॉसिबल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 शेयर फोर फीचर, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, 2 अलॉटमेंट और 2 शेयर फाइनल कॉल, आप में से कुछ बच्चों ने यह भी करा होगा, इनफैक्ट मैंने ऐसे भी कराता हूं बच्चों को और दूसरे तरीके से, तो ये तो आ जाएगा पूरे 5000 रुपए, और इसको आ जाना है कितने, 500 × 2 1000, यहां तक कोई बदलाव नहीं है, लेकिन समस्या पता है क्या आता है, सर यहां पे आपने कॉल सिनेरियर लिखा और यहां पे बोल रहे हो अलॉटमेंट और शेयर फाइनल कॉल लिख रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, बस मुद्दे की बात यह है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां पे सही लिखा है, अमाउंट सही है ना, 15-25 ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, ध्यान देना, लॉजिकली समझना, ये देखो ये वाली एंट्री, अगर आपने ये वाली एंट्री करी है, अब इस एंट्री को इस एंट्री से कंपेयर करो, यहां पे आप एसेट्स कितना मान रहे हो कॉल्स इन अलॉटमेंट को, और यहां पे कैंसिल एसेट्स कितना कर रहे हो, 13, तो स्टिल आपका देखो तो 1500 तो एसेट्स रही गया ना, कब कैंसिल करोगे इसको, कैंसिल तो करना है ना, लेकिन इस वाले केसेस के अंदर क्या था, एसेट्स कितना माना, 1500, कैंसिल कितना करा, 1500, तो ये पूरा कैंसिल ही हो गया, लेकिन जब आप ये वाली एंट्री करोगे और ये वाली एंट्री करोगे तो ऐसे सिचुएशन में देखोगे कि आपका शेयर अलॉटमेंट 1500 से डेबिट रह गया है, तो अब जब उसके शेयर फॉरफीचर हो गए तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसलिए यहां पे क्या लिखा मैंने, शेयर अलॉटमेंट। सेम फाइनल कॉल पे चेक करिए, देखिए फाइनल कॉल पे आपने क्या लिखा है, यहां पे फाइनल कॉल 2250
और फाइनल कॉल पे यहाँ कितना आप डेबिट करके बैठे हो, 2500 का मतलब क्या है, आपका एसेट्स मान रहे हो कि जी मेरा 25000 रुपए का एसेट्स है, 2500 नहीं 25000 का एसेट्स है, लेकिन फाइनली यहाँ पे आपने एसेट्स को जब कैंसिल किया बैंक में कन्वर्ट करके तो 22500, यानी अभी भी आप मान रहे हो कि 2500 रुपए का और एसेट्स आएंगे, जबकि ऐसा हो सकता है नहीं देगा तो नहीं होगा, तो इसका मतलब उस एसेट्स को खत्म करो। तो आपने क्या करा यहाँ पे, फाइनल कॉल करके खत्म किया है। तो सर इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि इस वाली एंट्री में आप ध्यान से देखो, शेयर फाइनल कॉल पूरे मैंने किससे करें खत्म, 25000। तो डिपेंड करता है आप कौन सी एंट्री करते हो, क्योंकि ये लॉजिकली छोटी छोटी चीजें हैं जो बताएगा नहीं आपको कोई, बच्चा कर देता है लेकिन गलत हो जाता है। जो एक्चुअल चेकर है ना, जो पेपर सही से चेक करेगा ना, आप ऐसे करोगे तो वो चेक करेगा, अगर उसने ये वाली एंट्री करी है तो ये शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री ठीक है, अगर किसी ने ये एंट्री करी है और ये शेयर फॉर फ्यूचर कर रहा है तो लॉजिकली गलत है। समझ रहे हो ना बात को, तो आप ध्यान रखना, अगर आप जैसे कि ये वाली एंट्री कर रहे हो विदाउट ओपन वाली, क्योंकि मैं एग्जामिनर पूछेगा अगर विदाउट ओपन कॉल्स इन एडवांस तो आप ये एंट्री करोगे, जब ये एंट्री करोगे तो शेयर फॉर फ्यूचर आपको ये लिखना होगा, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, जिस पे फेल होता है, और जब आप ये वाली एंट्री करोगे विद ओपन तो आपको ये शेयर फॉर फ्यूचर करना होगा। और फॉर फ्यूचर समझ में आया ना, जितना पैसा आपने दिया वो फॉर फ्यूचर में कर लिया, और नीचे डिटेल की बस बात कर रहा था मैं। बताइए यहां तक कोई डाउट, जिसको भी डाउट है बताइए, आप बताइए डाउट। इसमें बेसिक सा एक मैंने कॉन्सेप्ट लिया, इसके बाद मैं अलॉटमेंट पे फेल करूंगा, इसके बाद मैं दो दो को फेल करूंगा, तीन को फेल करूंगा, आगे चलूंगा मैं। तो सेकंड केस है हमारा, केस नंबर 2 डाल देना आप, पहली दो एंट्री आपकी कॉमन रहेगी जो हमने लास्ट एग्जांपल में लिया था, थर्ड एंट्री क्या रहने वाला है हमारा, शेयर अलॉटमेंट 2, बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल बोल लें, वैसे इक्विटी होता है, तो यहां पे आ जाएगा हमारा टोटल 5000 इंटू में 3 15000, और ये भी आ जाएगा 15000 रुपये, और इसके बाद देखा जाए तो बैंक में जब पेमेंट लेने जाएंगे तो पूरे 15000 आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, तो हमारे पास पेमेंट आएगा 15000 माइनस में 1500, और ये 13500, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल्स इन एरियर 1500 और 2 शेयर अलॉटमेंट, पूरे 15000 रुपये, ठीक है ना। अब मैंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि मैं यहीं पे इसका शेयर फॉर फ्यूचर करूंगा मैं, तो अब आपको ना फाइनल कॉल कॉल नहीं करना, पहले फॉर फ्यूचर की एंट्री करोगे फिर फाइनल कॉल पे जाओगे, जो मेन पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो ना। तो पहले मैं जब बोल रहा हूं कि अलॉटमेंट पे आपके शेयर जी फॉर फ्यूचर होंगे, तो पहले मैं क्या करूंगा यहां पे फॉर फ्यूचर फिर फाइनल कॉल की मांगूंगा, तो पहले मैं फॉर फ्यूचर करूंगा, तो क्या करूंगा मैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, सही लिखा है। अब यहां पे जो डेबिट करेंगे तो उसको कैपिटल कितनी बार दिया, एक ये दिया है और एक ये, दो ही दिया है यहां, यानी यहां पे 3 रुपए का और यहां पे 2 रुपए का, तो इसका मतलब यहां पे अब जो डेबिट करेंगे ना 5 से करेंगे, जो कि आएगा हमारा 2500 रुपए। टू शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आएगा जी, सर शेयर फॉर फ्यूचर में आएगा आपका 500 × 2 रुपए, 2 ही रुपए तो करें हमने, तो आ जाएगा 1000 रुपए, और 2 शेयर, अब देखो कॉल्स इन एरियर, अब क्या लिखेंगे कॉल्स इन एरियर, एरियर अब कितने का आएगा, सिर्फ यही वाला था 1500, तो ये 1500 आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, मैच हो गया। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, हुआ ये क्वेश्चन में कि इस व्यक्ति राम का हमने शेयर फॉर फ्यूचर यहीं पे कर लिया, हमने फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, तो जैसे ही हम अलॉटमेंट पे गए, अलॉटमेंट का हमने कॉल किया, उसके बाद बैंक में पेमेंट लिया, तो उसके बाद एक पर्सन का शेयर फॉर फ्यूचर कर रहे हैं, तो हमने क्या करा डायरेक्टली यहां पे फॉर फ्यूचर कर लिया, ठीक है ना। ये पहले देखो शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, अब मुद्दे की बात है, पिछले वाले एग्जांपल में देखोगे सर वहां तो आपने 5000 डेबिट किया था, यहां पे क्यों 2500 कर रहे हो, क्योंकि इससे मैंने फाइनल कॉल मांगा नहीं, जब इससे फाइनल कॉल मांगा नहीं तो इसके नाम का क्रेडिट भी नहीं करूंगा मैं, तो कैपिटल तो इसको 2 ही बार दिए होंगे ना, 3 और, तो इसको डेबिट कर दिया। शेयर फॉर फ्यूचर क्यों क्रेडिट कितना किया, वो तो पहले वाला था, अभी ये यहां पे पहले सर आपने 2500 लिखे थे, 2500 फिर अगेन फाइनल कॉल तो है नहीं, उससे पहले आ गया। अब मैं जब फाइनल कॉल मांगूंगा ना, तो देखना यहाँ पे काफ़ी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ शेयर फाइनल कॉल, तो बताइए मैं कितने लोगों से शेयर फाइनल कॉल का पैसा मांग सकता हूँ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो मैं यहाँ पे अगर करता हूँ ना 5000 × 5 तो गलत हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आपने जिसके शेयर छीन भी लिए हैं उससे भी बोल रहे हो पैसे लाओ, वो पैसे थोड़ी देगा, वो तो भगा देगा आपको, तो यहाँ पे क्या करना है आपने
5000 में से जिसके शेयर आपने ले लिए हैं उसके माइनस करिए पहले, तो इसका मतलब 4500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4500। अब बाकी से मांगिए, अब आपको सारा पेमेंट मिलेगा, जो कि 4500 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाता है हमारा 22500 और 22500, ठीक है ना। क्या आ गया? 22500। और अब अगली एंट्री क्या करेंगे? बैंक। क्या यहाँ पे कोई कॉल सिनेरियर होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो फेलियर था, जो बेकार का था इंसान, उसे हमने पहले ही हटा दिया। शेयर फाइनल कॉल। तो देखो, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको पॉइंट का फर्क पता चला क्या? पता चला ना थोड़ा सा पॉइंट का फर्क, कि सर वहां पे क्या था और यहां पे क्या है। क्लियर है? तो ये वाला भी एक एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसके बाद हम क्या करेंगे? एक और शेयर होल्डर को फिल करेंगे, दो दो शेयर होल्डर को फिल करेंगे। किसको? ठीक तो है, बैंक में आ गया। यहाँ अच्छा अच्छा ये चलो, वो डेबिट लिखना था, ठीक है। चलो करो करो फटाफट करो। क्वेश्चन मेरा सेम है, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं ये करने जा रहा हूँ, यहाँ पे 500 शेयर होल्डर फेलियर था, इसका मैं शेयर फोर फीचर यहीं पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक राम के बाद मोहन और आ जाएगा। मोहन जो 300 शेयर था जिसके पास, वो भी फेल हो गया, तो इसके भी शेयर फोर फीचर यहाँ करूँगा। तो अब दो जगह शेयर फोर फीचर होंगे, ठीक है, एक राम का है और एक मोहन का है। तो मैं फोर फीचर की एंट्री कर रहा हूँ। चलो आप मुझे बताओ, फाइनल कॉल की एंट्री कितने शेयर से होगा, इसमें देख के बताना। फाइनल कॉल की एंट्री अगर हम करते हैं, जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तो कितने से होगा? 4500 से होगा, ठीक है। कहीं उसमें ये 300 भी मत माइनस कर देना आप, ठीक है ना। तो हाँ, तो अब मैं अगर फोर फीचर की बात करूँ, तो इसकी फोर फीचर की एंट्री करते हैं, क्योंकि यहीं फेल हुआ, यहीं फोर फीचर हो गया, तो अगेन एंट्री वही आएगी वापस जो आपने अभी थोड़ी देर पहले करा था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। बताओ 2 क्या आएगा? शेयर फॉर फीचर 2 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर, ठीक है, 2 कॉल्स इन एरियर। अमाउंट क्या आएगा जी? यहां पे आएगा 500, और इससे सिर्फ मांगा ये गया था 2 और 3, इसके बाद तो इसको मौका ही नहीं मिला। तो 2 और 3 5, तो अल्टीमेटली एक वर्ड में बोलने जा रहा हूँ, ये जो हमेशा होता है वो कॉल्ड अप से होता है। कॉल्ड अप क्या होता है? हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, जितना कि कंपनी मांगती है उससे। शेयर फोर फीचर में क्या आ जाएगा? 500 मल्टीप्लाई 2, जो दे चुका है कितने, 1000, और यहाँ क्या आ जाएगा? 500 गुणा में 3 यानी 1500। कोई डाउट? अब दूसरे का फोर फीचर करें, मोहन का। मोहन के में बताइए आप, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कौन बच्चा बताएगा कि मोहन के इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में 300 से तो करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम? 10 करेंगे, 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम? 10। क्यों करेंगे भाई 10? क्योंकि उससे ये भी मांगा गया, ये भी मांगा गया, ये भी मांगा गया, और भाई जब मांगा होगा तो कैपिटल तो क्रेडिट 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 किया होगा ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसको? 10। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 3000। अब देखते हैं कौन बताएगा इसका शेयर फोर फीचर कितना होगा, क्योंकि ये जो फेल हुआ है ना वो यही हुआ है, इससे पहले फेल नहीं हुआ था। ऑनलाइन में जो भी बच्चे लाइव क्लासेस में हैं वो भी मुझे बताएं कमेंट करके कि इसका शेयर फोर फीचर में क्या अमाउंट आएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। एक जवाब आ गया, और भी देखते हैं। पाँच ठीक है, 5 रुपये होगा। जीतू का भी जवाब ठीक है, 1500 रुपये, और बस। और किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा? डॉली आपका भी आंसर नहीं आया अभी तक, कुलदीप आपका भी आंसर नहीं आया, वैष्णवी आंसर नहीं आया। तीन सौ मल्टीप्लाई बाय 5 ठीक है, हाँ अक्षय आपका ठीक है। तो आंसर जो है ना यहाँ पे वो है हमारा 1500, 300 मल्टीप्लाई बाय 5। क्यों भाई 300 मल्टीप्लाई 5? क्योंकि उसने ये भी दिया और ये भी दिया, मतलब 5 दे चुका है, तो इसलिए 5 रुपये फोर फीचर कर रहे हैं। 1500।
अब यहां क्या आएगा, टू कॉल्स इन इन एरियर, कॉल्स इन कितने रुपए, 1500। तो आप डेबिट क्रेडिट भी चेक करना, डेबिट में आपका पूरे कितने हो गए 3000 और क्रेडिट में भी 3000। बीइंग में सबका यही आएगा, बीइंग शेयर फोरफिटेड, जिसका नाम होगा नाम डाल देना या शेयर फोरफिटेड बस लिख देना बीइंग में, चल जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक बार ये भी नोट करिए, केस नंबर 3 बनाया है मैंने, यहाँ पे फेलियर मैंने 2 को ऐड कर दिया, फटाफट नोट करिए आप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फॉरफीचर के बाद हम री इशू भी कर रहे हैं, तो री इशू के लिए फॉरफीचर आना जरूरी है। देखिए नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, नाम में क्या कहता है, री इशू। री इशू का मतलब होता है जो शेयर हमने पहले इशू किए थे उसको दोबारा बेचेंगे। तो मान लो आपके पास शेयर्स है और मैं उसी शेयर को दोबारा बेच दूँ, ये तो गलत है। पहले जो शेयर आपके फॉरफीचर हुए हैं उसको मैं जाके मार्केट में क्या करूंगा, दोबारा बेचूंगा। तो पहली बात, जो फॉरफीचर शेयर हुए हैं उसी को दोबारा बेचा जाएगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे लास्ट एग्जांपल हमने किया हुआ है, तो उस एग्जांपल के हिसाब से सपोज करो मैं यहां पे रख देता हूं आपका 5 रुपये, 2 रुपये, 3 और 5। यहां पे एक राम व्यक्ति था जिसके पास 500 शेयर था, वो फेल हो गया। और मैं अब सपोज करता हूं कि इसका शेयर फॉरफीचर जो हुआ ये यहां पे हुआ, फर्स्ट केस ले लेते हैं। अब इसके शेयर को री इशू किया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब शेयर को री इशू किया जाता है तो क्या डिस्काउंट पे पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, शेयर को जब री इशू करते हैं ना तब डिस्काउंट पे पॉसिबल है, शेयर को जब इनिशियल स्टेट पे करते हैं ना तो उस टाइम पे डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, समझ में आई बात आपको? तो सबसे पहले मैंने बोला सर री इशू करते हैं, तो मैं यहाँ पे केसेस लिख देता हूँ। केस नंबर 1, हो सकता है मैं करूँ इसे री इशू 10 में, हो सकता है मैं इसे करूँ री इशू 11 में, हो सकता है मैं इसे करूँ री इशू 9 रुपये में, हो सकता है मैं इसे करूँ री इशू। अब मैं अगर मैं बात करूँ तो इसने मुझे कितने रुपये दे रखे हैं, 2, तो मैं 8 रुपये में री इशू कर सकता हूँ। यानी जितना वो दे देता है ना उतने लॉस तक तो मैं बियर कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मैं बोलूँ ना कि मैं इसे री इशू करूँगा 7 रुपये में, तो देखो नुकसान कितना हो जाएगा दोबारा बेचने में, क्योंकि 10 का शेयर अगर मैं 7 में री इशू दोबारा बेचूंगा 3 का नुकसान है, जबकि मेरी कमाई कितनी हुई थी फॉरफीचर करते टाइम पे 2। तो ये वाला तो केस ही पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, जितना फॉरफीचर किया है उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो सर पहले फॉरफीचर कर लेते हैं। फॉरफीचर में क्या आएगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से आएगा आपका, यहां पे आएगा 500 और सारा मांगा है मैंने तो 2500, और 2 शेयर फॉरफीचर कितने रुपए आएंगे, यहां फेलियर करा है मैंने इसको, तो जो 5000 आएगा, 5000 आएगा जी, 5000, और ये कितने आएंगे 1000, और 2 कॉल्स इन एरियर 4000 रुपए। ये तो हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकंड में केस नंबर 1 करने जा रहा हूं, जब री इशू करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पेमेंट आएगा हमारे, बेचने जा रहे हैं भाई हम, तो बेचने कितने गए अभी 500 शेयर बेचने वाला केस करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए आएंगे 10 रुपए के हिसाब से, तो 10 कितने हो गए 1000, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ सॉरी 5000, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल क्या आ जाएगा हमारा 5000। अब देखो इससे हुआ क्या, हमने यहाँ शेयर फॉरफीचर में पैसे कमाए और मैंने री इशू करके कोई मेरा नुकसान नहीं हुआ, सारे पैसे मिल गए। अगली एंट्री हमें एक और इसके साथ करना पड़ेगा, इन दोनों की कंपैरिजन एंट्री करेंगे जो होता है कैपिटल रिजर्व की। अगली एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट क्यों हुआ सर, क्योंकि इसे कैंसिल करना है हमें, क्योंकि शेयर ही नहीं बचा, 2 कैपिटल रिजर्व, 2 कैपिटल रिजर्व, 2 कैपिटल रिजर्व कितने रुपए, आपने जो कमाया है वो सारा आ जाएगा यहां वाले केस में, तो 1000 रुपए, कोई डाउट इसमें कितने आएंगे आपके 1000 रुपए। अब मैं केस नंबर थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसको 9 कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं, इसको 11 करते हैं, तब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा ये। मैं दूसरा केस करूंगा, फॉरफीचर में कोई बदलाव नहीं है, किसमें होगा सिर्फ और सिर्फ री इशू में। केस नंबर मैं करने जा रहा हूं 2,
टू में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सर टू वाले केस में मैंने कितने का रीइशू करा, 9 रुपये का, तो इसका मतलब 500 गुणा में 9 4500 आ गए। और नुकसान जो हुआ ना हमारा, नुकसान कितने का हो गया, 1 रुपये का, तो नुकसान को हम डेबिट करेंगे और उसको डेबिट भी करेंगे पता है किस नाम से, शेयर फॉर फ्यूचर। ये नुकसान है, ऐसे लिखेंगे ना, हानि लिख दे, डेबिट कितने का लॉस है हमारा 1, तो कितने हैं 500। और 2 क्या आएगा हमारा, 2 में आएगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल और ये आ गया 5000। एक और इसके साथ एंट्री करेंगे कंपैरिजन की, इसकी और इसकी। तो देखो मेरा फायदा था 500 का, नुकसान कितने का हुआ 500 का, सॉरी फायदा था 1000 का और नुकसान कितने का हुआ 500 का। तो अल्टीमेटली अब आएगा शेयर फॉर फ्यूचर में फाइनली माइनस करने के बाद, और 2 कैपिटल रिजर्व, CR लिख रहा हूँ मैं अब कैपिटल रिजर्व को, तो 500 रुपये आएंगे। सर ये 500 कैसे आया, कमाया था 1000 और नुकसान कर बैठे 500, ठीक है। केस नंबर कौन सा था, 2। अब केस नंबर 3 यहाँ कर देते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो गया, चिंता ना करें। केस नंबर 3 केस नंबर 3 में कितने का रीइशू किया, 8 रुपये का, तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब डायरेक्ट बताना है आपने, बताओ बैंक में कितना रुपया आएगा आपका, बताइए कितने आएंगे, 4000। 4000 रुपये अगर मैं लिखूं कैसे, 500 गुणा में 8 के हिसाब से है तो 4000। अब नुकसान है कितने रुपये का, नुकसान 2 रुपये, ठीक है। तो शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट करेंगे कितने, 500 गुणा में 2 कितने हो गए 1000। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने 5000। अब देखो मेरा फायदा कितने का था, नुकसान, अब कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री नहीं होगी, समझ रहे हो ना बात, वहां पे 0 बच रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री अब नहीं करेंगे। तीसरा केस करें 11 वाला, पहले ये 3 केसेस में डाउट बता दीजिए, जो बच्चे लाइव में वो भी बता दे, 3 केसेस में कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं चौथा केस जो लास्ट है इसको करके फिर करते हैं। बताइए 3 केसेस में कोई डाउट नहीं है, कौन सा थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री नहीं है, केस थर्ड है, ये समझ में आ गया, ये एंट्री पूछ रहे हो आप। तो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व माइनस करके आए ना, क्योंकि यहां पे हमारा कोई नुकसान ही नहीं है, सारा का सारा फायदा ही है, नुकसान इस वाली एंट्री में है नहीं, तो सारा फायदा उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। दूसरे एंट्री में देखे तो यहां पे हमारा नुकसान है 500 का, फायदा 500 का, तो 500 चला गया। तीसरे वाले केस के अंदर देखे तो हमारा फायदा 500 का था और नुकसान कितने का है 1000 का, तो अब कैपिटल रिजर्व जाने लायक बचा ही नहीं कुछ हमारे पास, समझ में आई बात आपको, ठीक है। केस नंबर 4 करें भाई, डाउट है किसी का क्या, सर फर्स्ट एंट्री अगेन एक्सप्लेन, फर्स्ट एंट्री मैंने बता दिया है फोन में। केस नंबर फोर ध्यान से देखना, काफी बच्चे गलत जवाब देते हैं। अब क्या होगा हमारा बैंक में पेमेंट, बताओ कितने रुपए आएंगे बैंक में, 500 × 11 अकाउंट डेबिट। अब नुकसान है क्या, यहां पे फायदा है, तो आएगा हमारा 2 शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का 5000, क्योंकि कैपिटल तो भाई अपने जो भी आपने इशू किया उससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते, जितना है उससे ज़्यादा तो कभी जा ही नहीं सकते। अब 2 में क्या आ जाएगा हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का 500 रुपये का। तो फायदा, नुकसान में शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट करना अलाउड है, फायदे में मत कर देना, फायदे में क्या आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। अगला एंट्री इसके बाद केस नंबर 4 की अगली एंट्री यहां कर रहा हूं, कौन बच्चा बताएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट होगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2 कैपिटल रिजर्व, बताइए क्या अमाउंट, अमाउंट आपको बताना है, अमाउंट है यहाँ पे देखो, कमाया कितना मैंने, नुकसान तो हुआ नहीं, अल्टीमेटली यहाँ फायदा हुआ, तो इस फायदे को जोड़ना नहीं है, अल्टीमेटली ये आएगा
हज़ार, ये आएगा हमारा 1000। मैंने देखो, अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, मैंने व्हाइट बोर्ड पे जो करा है ना, जैसे जैसे मुझे स्पेस मिलता गया करता गया, आपने नोटिंग कैसे करना है, पहले केस नंबर वन, पहले क्वेश्चन लिखोगे, इशू 5 और फेलियर करोगे ये लिखोगे, उसके बाद केस नंबर 1 नोट करना, उसी के जस्ट नीचे केस नंबर 2 नोट करना, और ये वाला पहले क्वेश्चन लिख लेना आप, यहाँ पे केसेस लिख लो, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे ही नोट कर लेते हैं एज इट इज, बाद में परेशान होंगे। पहले आपने लिखना है इशू इतने थे, और ये आप डायग्राम बनाओगे और उसके नीचे केसेस लिखना कि री इशू फॉलोइंग केसेस पे, ये रहेगा हमारा। इसके बाद आप पहले केस को नोट करना, फिर दूसरे केस को नोट करना, फिर तीसरे केस को प्रॉपरली नोट करना, फोर्थ केस के बाद इसके नीचे ये एंट्री करना, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो पूछिए, किसी बच्चे का डाउट है तो इसमें, अभी हमने सिंपल री इशू किया है ये।